पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम और महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने शनिवार को आधे दिन प्रदेश बंद कराया था। इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता बाजारों में जाकर दुकानें बंद करा रहे थे, लेकिन दुकानदारों के विरोध करने के बाद जीतू पटवारी को दबे पांव वापस लौटना पड़ा। ये है मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी। पहुंचे तो थे महंगाई के विरोध में बाजार बंद कराने, लेकिन दुकानदारों का विरोध कुछ इस तरह भारी पड़ा कि जीतू पटवारी को दबे पांव वापस लौटना पड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तेरे कहने पे हमने वोट दिए थे नरेंद्र मोदी को, 30 रुपए का पेट्रोल का बोला था, सो हो गया। अब तेरे ऐसे शाही खरीदना पैसे नहीं हमारे। तेरे कहने पे हमने वोट दिया था कि गैस की टंकी 200 होगी, वो 800 हो गई। अब हमारे घर में जलाने को लिए तेरे ऐसे कुछ नहीं खरीद सकते, तू लेके बैठ नहीं खरीद पाए। सच कह रहा हूँ, देश में जो बोला था उसका विपरीत हो गया। एक एक बात ऐसी हुई, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी ने कि महंगाई कर दूंगा, आधी डबल कर दी। उन्होंने कहा था कि 200 रुपए गैस की टंकी कर दूंगा, 800 कर दी। उन्होंने कहा था कि महंगाई 2 करोड़ रोजगार दूंगा साल के, 2 करोड़ बढ़ गए। उन्होंने कहा था कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखूंगा, तो चाइना अंदर घुस के अभी जा रहा, पेपर फ्रंट पेज देखा कि नहीं देखा। तो ये सब बात तो है ही, देश का नाश कर दिया, तू बंद करे या नहीं करे। चार लोगों को खाना खिला देना बस, भगवान राम का। जीतू पटवारी का अक्सर कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी कांग्रेस के प्रदेश बंद को फर्जी बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, इंदौर। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।